दोस्तों बात करने वाले अदानी विरमर स्टॉक के बारे में। देखिए अदानी विरमर के कल रिजल्ट देखने को मिले एंड दोस्तों मार्केट ने रिजल्ट को नेगेटिव लिया है। जैसा कि आप देखोगे रिजल्ट के बाद आज पहला सेशन था एंड आज मार्केट में 2% की गिरावट हमें देखने को मिली। इंट्राडे लो की बात करें तो भाई 350 रुपए तक के आज हमें लो देखने को मिली। जो स्टॉक 360 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था वो अगेन हमें 350 के आसपास देखने को मिल रहा है। देखो दोस्तों क्या जेनुअनली रिजल्ट नेगेटिव थे? रिजल्ट का इफेक्ट नेगेटिव पड़ेगा, अगेन गिरावट होगी। देखो कंटिन्यू कंपनी पहले 2 क्वार्टर लॉस करी, उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक के प्राइस बहुत बड़ी गिरावट में गए। देखो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई पर रिपोर्ट के बाद भी कई सारे स्टॉक ऐसे जिन्होंने रिकवरी करी। ओनली फॉर आपका अदानी विलमर ये जो रिपोर्ट के बाद भी गिरा, क्यों? क्योंकि रिजल्ट कंपनी के नेगेटिव आए थे एंड इस बार रिजल्ट अच्छा है। ये टोटली बड़े प्लेयर्स का गेम है ताकि आप इसको नेगेटिव लें, आप बेचिए एंड आज रिटेल नहीं यहाँ पे सेलिंग करिए। एक बार हम डाटा समझेंगे, एक बार रिजल्ट को भी देखेंगे। मैंने पहले ही बताया अगर 1% का भी ओपीएम अगर घटता है तो भाई बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर 1% का ओपीएम भी बढ़ता है तो बड़ा प्रॉफिट कंपनी कर देती है। तो आज हम पूरी चीजें समझेंगे। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़िया थी, अराउंड 26 लाख के आसपास टोटल वॉल्यूम नजर आई एंड इसमें से भी आप देखोगे तो 46% माल में उठता हुआ देखने को मिला। मतलब डिलीवरी बेसिस पे में डिलीवर होता हुआ देखने को मिला, इन्वेस्टमेंट आया एंड लोगों ने खरीदा। एंड एमओ के अंदर कोई बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे नहीं है। जो आपका पीई दोस्तों अराउंड यहाँ पे 300+ था वो अभी के टाइम 270 के आसपास हमें वापस से गेन देखने को मिल चुका है। मेन चीज यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों आज का इंट्राडे चार्ट। पहले चार्ट में आपने देखा होगा कि ओपनिंग स्टॉक की ठीक थी, ओपनिंग के बाद लोगों ने सेलिंग किया इसलिए हमें ये गिरावट आई। अब ये सेलिंग क्यों आई? क्योंकि लोगों ने रिजल्ट को नेगेटिव लिया। बट जेनुअन लेकर देखें हम, हमें कम्युनिटी के साथ नहीं चलना, हमें चलना है अपने अकॉर्डिंग। क्या जेनुअनली रिजल्ट नेगेटिव था? बिल्कुल भी नहीं, रिजल्ट अच्छा था। कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, कंपनी का पीई घटा है एंड यहाँ से कंपनी के एसेट्स थोड़े से नेगेटिव है। ये थोड़ा सा कुछ चीजें नेगेटिव थी तो वो हम थोड़ा सा एक बार रिजल्ट को यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए डाटा समझे दोस्तों, जो आपका पीई पहले 300+ ट्रेड कर रहा था वो भी के टाइम 276 का देखने को मिल रहा है। मान के चलो कि यहाँ से ये पी अगेन फिर से 300 का जाता तो आराम से स्टॉक का जो करंटली प्राइस जो लेवल है ना, बना पुराना लेवल, उसके अकॉर्डिंग अगर पुरानी पीई के अकॉर्डिंग जाता तो स्टॉक आराम से 420+ ये निकल सकता है। मेन चीज यहाँ पे दोस्तों रिटर्न इक्विटी अच्छी है, आरओसी थोड़ी सी सही हुई है यहाँ पे एंड जो आपके यहाँ पे रिजल्ट वगैरह थे वो चेक कर लीजिए एक बार। यहाँ पे दोस्तों देखो कंपनी की जो सेल्स है ना भाई वो इंक्रीज हुई है, लास्ट ईयर क्वार्टर से पिछले क्वार्टर से घटी है। सॉरी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो बढ़ी है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो घटी है। ठीक है, ये घटती बढ़ती रहती है, एफएम सेगमेंट का काम है। खर्चों की बात करें तो खर्चे दोस्तों इस क्वार्टर हमें पिछले क्वार्टर से बढ़ते हुए देखने को मिले, लास्ट ईयर क्वार्टर से हमें घटते हुए देखने को मिले क्योंकि रेवेन्यू भी हमें घटता हुआ देखने को मिला लास्ट ईयर क्वार्टर से। इसके बाद कंपनी के ओपीएम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाले हैं। देखो दोस्तों ये कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है ना। मतलब कंपनी 1 करोड़ की सेल्स के पीछे कितना परसेंट कमा रही है। मान के चलो कंपनी ने 1 करोड़ का माल बेचा उसके पीछे 3% कमाया, मतलब 3 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट किया 1 लाख के, 1 करोड़ के ऊपर तो मार्जिन कम है। अब ये जो प्रॉफिट आया ना भाई 1-3 लाख, ठीक है ना। अब इस 3 लाख में भाई कंपनी को पूरा अपना जो कर्जा है ना उसके पीछे जो कंपनी का इंटरेस्ट लगता है वो भी देना पड़ेगा एंड इसके पास कंपनी को दोस्तों जो प्रॉफिट है वो भी दिखाना पड़ेगा, कंपनी को अपना खर्चा है वो भी निकालना पड़ेगा। कई सारी चीजें हैं दोस्तों जो इसमें से निकलती है, तब जाके कंपनी के पास बचता ना वो प्रॉफिट हम देखते हैं, वो हमारे लिए इंपोर्टेंट रहता है। तो जो मार्जिन ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब इस क्वार्टर अगर देखोगे तो अदर इनकम कंपनी की बड़ी है, जो पहले 40 मतलब 59 करोड़ की थी वो अराउंड 104 की हो चुकी है एंड इसी के साथ जो कंपनी का इंटरेस्ट था जो कंपनी पिछले क्वार्टर वो 187 करोड़ का पे किया, वो 171 करोड़ का पे किया इस क्वार्टर, तो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ, मतलब कंपनी का प्रॉफिट बचा। इसके बाद हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो पिछले क्वार्टर जो 201 करोड़ का प्रॉफिट था वो 157 करोड़ पे रुक गया क्योंकि इसके लास्ट ईयर क्वार्टर 90 करोड़ का प्रॉफिट था इस क्वार्टर 157 का, तो अराउंड 65 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर हमें ईयर टू ईयर जंप मिला जबकि सेल्स घटी। तो ये क्यों घटा? क्योंकि पिछले क्वार्टर मार्जिन कम थे, मार्जिन 2 ही% के थे, इस क्वार्टर 3 के हैं। जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ पे लास्ट ईयर के जो मार्जिन थे वो आपको यहाँ पे 1 ही% के थे, ठीक है ना, इस क्वार्टर 3 के हैं, तो इसलिए हमें ये चीजें नजर आई। अब इसके बाद मैं चीज बैलेंस शीट रिजल्ट नेगेटिव या पॉजिटिव, बैलेंस शीट पे थोड़ा फोकस करो। रिजर्व को देखो एक बार, रिजर्व पहले कितना था 8036 करोड़, अभी कितना होगा 8186 करोड़। तो रिजल्ट जो रिजर्व कंपनी ने जोड़ा इसके साथ कर्जा कंपनी कर्जा इस क्वार्टर बढ़ा है, अराउंड जो पिछले क्वार्टर कर्जा 2396 करोड़ का था वो क्वार्टर इसमें हो गया 2 मतलब 2600
28 करोड़ का, ठीक है ना। एंड लास्ट जो है यहाँ पे एसेट्स, तो एसेट्स भी दोस्तों थोड़े से कंपनी के गट हैं, ये थोड़ा नेगेटिव रहा है। तो दो चार चीजें ऐसी है जो हमें नेगेटिव देखने को मिले, अराउंड 1,000 करोड़ के कंपनी के एसेट्स घटते हुए देखने को मिले। तो ये थोड़ी चीजें नेगेटिव रही, बट एफएम सेगमेंट में ये चीजें चलती रहती है, कभी उतार कभी चढ़ाव, ठीक है। बट यहाँ पे मेन कमाल करेगा पी कंपनी का बिजनेस। पहले देखो जब एफआईडीआई को बड़े प्लेयर्स को भगाना होगा, तो यहाँ से दोस्तों वो स्टॉक के खराब रिजल्ट, मतलब यहाँ पे बस कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, उस पर स्टॉक को भगा देंगे। अभी के टाइम टोटली इलेक्शन का थोड़ा दबाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का थोड़ा सा डिमांड है, अदानी ग्रुप की जो शेयर से इनका भी डिमांड यही है कि गवर्नमेंट रिपीट हो, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट रिपीट हो तो फिर अदानी ग्रुप के शेयर आपको एक बड़े लेवल पे देखने को मिलेंगे। एक बार हम टेक्निकली व्यू के वॉल्यूम नहीं है स्टॉक के अंदर, सॉरी अदानी पावर का चार्ट है, अदानी विलंबर का डाटा देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अदानी विलंबर में आज हमें गिरावट दिखी है, अदानी विलंबर का भी सेम यही हाल है, कंसोलिडेट कर रहा है। एंड बिल्कुल भी देखिए, जब यहाँ पे बाउंस आया था वॉल्यूम थी, फिर से वॉलिटिलिटी, कभी कभी वॉल्यूम कभी बिल्कुल डाउन। तो ये चीज है, अभी के टाइम देखो जो ब्रेकआउट है वो हमारा 360 का, चांसेस था कि जैसे यहाँ पे रिजल्ट आए 360 का लेवल तोड़े, 400 की तरफ जाए। एंड यहाँ पे देखो जब जब स्टॉक ने 360 का लेवल तोड़ा है, 400 के आसपास जाके आया है। यहाँ पे आप देख लो दोस्तों, पहले जैसा कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये लेवल टूटा 400 के आसपास था, यहाँ पे टूटा 385 390 के आसपास, यहाँ पे 400 के आसपास। तो ये लेवल टूटता तो हमें 400 के आसपास देखने को मिलता, अगर लेवल 400 का ब्रेकआउट क्लोज देता तो फिर यहाँ पे 450 500 के लेवल भी देखते हैं। दोस्तों अभी के टाइम होल्ड करो, ज्यादा बड़ा गिरावट अब आने वाली नहीं है, चांस है कि जल्दी ही रिवर्सल ये कर।